जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनियों, लाडलो लाडलियों। जो बच्चे 15 जनवरी को आर्मी अग्निवीर का पेपर दिए थे, अब उनका रिजल्ट आ चुका है। हिंदुस्तान में आप भले कहीं का अगर आपने पेपर दिया है कोई से भी एआरओ बीआरओ से, तो वह आपका रिजल्ट आ चुका है। लाडलो जीडी कलर टेक्निकल और ट्रेडमैन सभी का। कलर का कुछ रिजल्ट कल भी आ चुका था, देख लिया होगा आपने। दो दिन पहले भी एक आई थी नोटिफिकेशन, वो भी आपको कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और ये जो रिजल्ट है सारा का सारा, ये भी आपको कमांडो अकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी तुरंत जाकर चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट क्या रहा। अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां का और क्या क्या रिजल्ट रहा है लाडलो। तो देखिए, जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, सॉरी जिनका रिजल्ट आ गया है, वो देख लीजिए पहले कहां कहां का और क्या क्या रिजल्ट आया लाडलो। ये देख लीजिए, जिन्होंने आरओ हेडक्वार्टर अंबाला का रिजल्ट देख लीजिए लाडलो, अंबाला से जिस भी बच्चे का था रिजल्ट देख सकता है, जीडी टेक्निकल और ट्रेडमैन तीनों को आ चुका है। जीडी में लगभग यहां से 300 से प्लस बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, ध्यान रखना 300 से प्लस बच्चों को सिलेक्ट किया गया है जीडी में, ठीक है। और साथ में अग्निवीर टेक्निकल में भी यहां पर लगभग अंबाला का जो रिजल्ट है काफी अच्छा रहा है। टेक्निकल में भी लगभग ये लाड लो मान के चलिए 70 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन है। अग्निवीर ट्रेड्समैन, ट्रेडमैन में आप देख सकते हो यहां पर केवल 7 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है। ओआरओ आरओ से ही ट्रेडमैन का 8th पास का 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, कि तीन वही है जो लक्की बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है। कहां की बात कर रहे हैं हम, अंबाला की बात कर रहे हैं। अगला कौन सा है, अगला है चरखी दादरी। एआरओ चरखी दादरी से डाल लो, तो जनरल ड्यूटी यानी अग्निवीर के लिए लगभग आपको मैं बता देता हूं एक सीधा सीधा आंकड़ा, लगभग 350 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 350 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है चरखी दादरी से। वही चरखी दादरी से अगर आर्मी टेक्निकल की बात करें तो लगभग 120 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ये रिजल्ट आपको कहां मिलेगा, ये रिजल्ट अगर आपको देखना है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है, कमांडो अकेडमी सर्च करना है। वहां एक वेरीफाइड टेलीग्राम ग्रुप है कमांडो अकेडमी के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर यह रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और हिंदुस्तान की कोई सी भी आर्मी की भर्ती हो, सबसे पहले अगर आपको रिजल्ट चाहिए किसी भी वेबसाइट से पहले, तो उस टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाइए, वहां सेकंड रो में आता है कहीं का रिजल्ट। ये तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी, मैं आपको एआरओ बीआरओ के बाहर की फोटो भी दिखाऊंगा, देखना वो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेगी। चरखी दादरी से एआरओ ट्रेडमैन का जो 10th लेवल पास है उसमें लगभग 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, यानी काफी अच्छे हुआ है। और जो 8th पास है उसमें इसमें भी 3 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ है लाडलो, पोस्ट ऑफ वैकेंसी 3 थी। अब बात करते हैं मंडी की, एआरओ मंडी। यहां से अगर सिलेक्शन की बात करें लाडलो, लगभग 350 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है यहां से जीडी में। टेक्निकल में यहां पे थोड़ा कम बच्चों का सिलेक्शन हुआ, टेक्निकल में यहां केवल 9 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ट्रेडमैन में 3 बच्चों का और 8th पास ट्रेडमैन में केवल 1 बच्चे का ही सिलेक्शन हुआ है, फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है आपका रोहतक। रोहतक हरियाणा वालों देख लेना भाई, तुमको अगर रिजल्ट देखना है तो कमांडो अकेडमी के ग्रुप में जुड़ जाए, टेलीग्राम ग्रुप में अच्छे से पीडीएफ को चेक कर लीजिए कि आपका इस पीडीएफ में नाम है या नहीं है। जो रोहतक हरियाणा से लिस्ट आई है उसमें स्पष्ट है लगभग 350 बच्चों के आसपास जनरल ड्यूटी में फाइट किए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ फाइनल। अगर टेक्निकल की बात करें रोहतक से, तो देख लीजिए टेक्निकल रोहतक, टेक्निकल की बात करें तो लगभग 50 बच्चों का टेक्निकल से। अब बात करें ट्रेडमैन की, ट्रेडमैन में केवल 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ 10th बेसिस पे। रोहतक हरियाणा से भाई 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। अगला आपका है शिमला। जो भी बच्चे शिमला एयरो से भर्ती देखी थी उनको मैं बता दूं, शिमला से जो बच्चे पास किए, जीडी में हर जगह का ही जो औसत रहा है, शिमला से थोड़ा सा बड़ा रिजल्ट रहा, बाकी सब जगह का जो औसत रहा लगभग वो 350 के आसपास रहा, शिमला का 400 के आसपास रहा भाई जनरल ड्यूटी का। और यहां पर टेक्निकल के बच्चे थोड़े से कम लिए गए, 9 ही बच्चे लिए गए हैं, ट्रेडमैन में 5 बच्चे और 8th पास ट्रेडमैन में 1 बच्चा लिया गया है, यानी शिमला का रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। यहाँ पोस्ट ऑफ वैकेंसी अच्छी थी इसलिए अच्छा रहा है। अगली वैकेंसी की नोटिफिकेशन भी आ गई, अगर आपने वो कैलेंडर नहीं देखा वो भी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। 10 फरवरी से फॉरम शुरू है, एग्जाम होगा उसमें पहले, ऐसी डिटेल आ रखी है, बाकी 10 फरवरी तक आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, तो उससे भी अपडेट रहिए लाड लो। आरओ कोलकाता, तो जो बच्चे कोलकाता से देखे थे उनको मैं बता दूं, कोलकाता से जो रिजल्ट आपका रहा है वो रहा है लगभग 400 बच्चों का जनरल ड्यूटी में अग्निवीर में, यानी पोस्ट ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी थी यहां से, जिन्होंने भी यहां से देखा है। टेक्निकल में यहां पर थोड़ा कम रहा है, 30 बच्चे
और जो ट्रेडमैन का है वो भी काफी अच्छा रहा, यहाँ का लगभग 24 बच्चे भाई, तो काफी अच्छा रिजल्ट रहा है कोलकाता से। अब अगला है सिलीगुड़ी, जो इसका जो बाकी सारे जो जिलों का है मैं बारी बारी बता रहा हूं, जिन भी बच्चों हैं जिनका अगर अभी तक नहीं आया तो वेट करिए आप, आपका भी आ जाएगा ठीक है। सिलीगुड़ी से जो बच्चे पास हुए हैं जनरल ड्यूटी के लिए, जब बता दूं लगभग 350 बच्चे सिलेक्शन किए गए हैं सिलीगुड़ी से, टेक्निकल में ही काफी अच्छे सिलेक्शन हुए लगभग 60 बच्चों का, और जो एआरओ से ट्रेडमैन में इसमें भी काफी अच्छे सिलेक्शन है 20 बच्चों का, सॉरी ट्रेडमैन में यहां से काफी ज्यादा, सॉरी 20 नहीं है भाई, एक मिनट लाड लो, हाँ अग्निवीर ट्रेडमैन में लगभग 60 बच्चों का है सिलीगुड़ी से, 60 से भी प्लस बच्चे हैं यहाँ सिलीगुड़ी से, 8th पास से है 10th जो मैं आपको बता रहा था, तो जो सिलीगुड़ी से है उनका तो ट्रेडमैन में भी बारे न्यारे हो गए, सबसे अच्छा रिजल्ट रहा अभी तक सिलीगुड़ी का, यानी यहाँ की कट ऑफ है वो भी काफी डाउन रही है लाड लो। अब देखिए ये एआरओ बीआरओ के बाहर की फोटो है लाड लो, गोपालपुर एआरओ वहां का जो रिजल्ट है ये देख लीजिए, ये रिजल्ट है आपका कुमकुम रेजिमेंट सेंटर रानीखेत, ये रानीखेत का है, यहां से आपको स्पष्ट होगा नहीं, आपको टेलीग्राम ग्रुप में जाके ही देखना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा लाडलो। ये गोपालपुर का पूरा रिजल्ट आ गया आपका, जो गोपालपुर से है, रानीखेत वाले बच्चे भी जाके लाडलो अपना रिजल्ट देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में ठीक है। उसके अलावा रानीखेत के दोनों तीन पेज की जो फोटो है, जैसे मैंने बोला एआरओ बीआरओ के बाहर की फोटो है वो भी है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर कट ऑफ कितनी रही होगी, कितने क्वेश्चनों पर सिलेक्शन हो गया होगा, इसका पूरा विश्लेषण मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारी एकेडमी के भी 8 बच्चे थे जिन्होंने ये पेपर दिया है और जिनके सिलेक्शन की पूरी उम्मीद है, तो उनका भी अभी हम रिजल्ट चेक करेंगे, फिर उन्होंने कितने कितने क्वेश्चन किए वो आपके सामने स्पष्ट करेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई है लाड लो ठीक है। ये रिजल्ट आपको देखने के लिए क्या करना, कमांडो एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां ये पीडीएफ सारी मिल जाएगी, चेक करिए, फिर इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करिए कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं, अगर हो गया है तो बहुत बहुत बधाई आपको, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक बात फिर से ठीक है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सोचो समझो और सुधार करो, और फिर खड़े हो जाएंगे कोई बात नहीं, फिर बढ़ती आ गई अप्रैल में, मार देंगे एक और रनिंग। जय हिंद जय भारत लाडलो।